हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में UPCHO की वैकेंसी के बारे में, और पूरी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर 4,000 पोस्ट है, और दूसरी डिटेल में कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रिटेल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। द NHM UP इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली 4,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज। दिस इज द पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। ये तो वही है कि सब सेंटर को वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, वो सब रामायण है जो कि हर वैकेंसी में लिखी जाती है। कैंडिडेट्स हुआ सक्सेसफुली कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी पोस्टेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट सब सेंटर लेवल। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों NHM UP इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 4,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज। 4,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा होती है 4,000 वैकेंसीज। और इसमें जो है यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 4,000 टोटल वैकेंसीज हैं, उसमें से अनरिजर्व की 1,600 है, EWS की 400 है, OBC की 1,080, SC 840 और ST 80। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो स्टेट की जो है लागू रहेगी, और इस तरह से सबके पास आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह तो सारे होने ही चाहिए। गो लाइव ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। गो लाइव ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, 11 बजे 4 तारीख से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 13 तारीख तक मिडनाइट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कैंडिडेट्स हुए सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कुरिकुलम इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सेस और पोस्ट बेसिक नर्सिंग। मतलब यहाँ पर दोस्तों 2020 के बाद वालों से ही जो है फॉर्म मांगे गए हैं, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जिसके पास CCH का कोर्स नहीं है उनको यहाँ पर दोस्तों अब जो है अप्लाई नहीं करवाया जा रहा है। लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएंगे एज रिलैक्सेशन। और सैलरी की बात करें तो जो बेसिक सैलरी होगी वो 20,500 होंगी, और जो इंसेंटिव होंगे वो 15,000 तक होंगे। ठीक है, और 2,50,000 रुपये का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो आपको 2,50,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, और उसके बाद आप जो है ये चीज़ें कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस तो मेरिट के आधार पर रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में आपका होगा। जो है 2 सेट आपको फोटोकॉपी, वो तो बाद की बात है, अभी तो आप अप्लाई तो कीजिए, ये बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 साल का OBC को, 5 साल का SC ST और डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स को भी। एप्लीकेशन फी नील, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म आप NHM की वेबसाइट पर जाके जो है आप भर सकते हैं दोस्तों, upnrhm.gov.in, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म भरें। डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सब अपलोड करना ही है फॉर्म भरते वक्त, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सारे फॉर्म जैसे दूसरे फॉर्म भी भरते हैं वैसे ये फॉर्म भी भरना है। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर लिखा गया है कितनी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आप देख सकते हैं आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर वहाँ जाना चाहते हैं। मैं 75 डिस्ट्रिक्ट है UP में, तो सबका मैं पढ़ के तो नहीं सुना सकता आपको। आप इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसीज का वितरण है। तो टोटल 4,000 पोस्ट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप 2020 के बाद के पास आउट हो तो ज़रूर अप्लाई करें, बाकी उससे पहले वाले तो या फिर CCH का कोर्स आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।